फ्रेंड्स, दिस इज दुर्गा प्रसाद। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के टू मेथड थे। पहला था साइमल्टेनियसली इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा तो बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करो या साइमल्टेनियसली करो, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको ईजी लगे वो करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को लिख लिया अपन ने, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दैट इज a एंड b, यहाँ पे भी a एंड b। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। एटलीस्ट एक वेरिएबल का तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, a का 3 है, a का यहाँ पे 1 है, b का क्या है 5, और यहाँ पे b का 5, मतलब सेम है। तो हमको यहाँ पे किसी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंट साइन रहेगा तो एडिशन करेंगे। तो सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 1 से। तो हम उसको ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए, इक्वेशन 2 को 1 में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लेंगे, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। क्या करना है इन दोनों का, सब्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, सब्ट्रैक्शन से होता क्या है कि जो सेकंड वाला इक्वेशन रहता है उसके सबके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए, इसका साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसका साइन प्लस है तो ये भी माइनस, इसका प्लस है तो ये भी माइनस। 3a माइनस a दैट इज 2a, 5b माइनस 5b देखिए 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22 दैट इज 4। क्या हो गया, 2a इक्वल्स टू 4, देयर फोर ए इज इक्वल्स टू 4/2। हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर ए इज इक्वल्स टू 2। देखिए, हमारी a की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देयरफोर a की वैल्यू 2 है तो यहां पे होगा 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। 2 प्लस में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, देयरफोर 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 20। मतलब 5b की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो हमको निकालना है b की वैल्यू। देखो, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर बी इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। 20 की वैल्यू 4 हो गई। 4 कैसे है, ये जो 20 है ये 5 से 4 टाइम डिवाइड हुआ इसलिए तो 4 आई ना आंसर। तो देखो, हमारा a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। तो हम लोग बोलते हैं देयर फोर सॉल्यूशन में हमको किसकी वैल्यू लाना है, a और b की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, a कॉमा बी विच इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो ये दोनों वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना और देखना कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है क्या। 2 हमने यहाँ पे पुट करे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते, a में 2 रखे, 2 आ गया प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 22। मतलब हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है। ऐसा आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला इक्वेशन लिखेंगे x प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू टेन और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू सेवन, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोग चेक करेंगे कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है क्या। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 7 और y का कोएफिशिएंट इधर क्या है माइनस टू। देखिए यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि इनका कोएफिशिएंट हम लोग सेम कर रहे हैं, एटलीस्ट एक वेरिएबल का करना ही पड़ता है। तो देखिए हमको x का कोएफिशिएंट सेम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफोर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या हो जाएगा 21y, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 और इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो इक्वेशन है ये यही इक्वेशन है, बट हमने इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका भी 3x है, इसका भी 3x है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जब सेम साइन रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफोर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 3 से 3 माइनस 2 करना है, तो पहले 3 लिख लेंगे, दैट इज 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 2 ये है, लिख लेते हैं इसको 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। क्या करना है इसका, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से होता क्या है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा 0, 21y प्लस 2y तो क्या हो जाएगा 23y। देखिए माइनस नहीं है यहाँ पे, क्या आएगा माइनस का प्लस हो चुका है, तो 21y प्लस 2y दैट इज 23y, फिर 30 माइनस 7 दैट इज 23। फिर हम लोग बोल सकते हैं देयरफोर y इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 23। देखो 23 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो देयरफोर y की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 1। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये, x तो वैसे का वैसा ही रहेगा, x प्लस क्या होगा 7 इंटू y, y की वैल्यू क्या है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसको उस साइड लेकर चल लो, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, यहाँ पे प्लस है 7 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या होगा 10 माइनस 7, देयरफोर x इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, दैट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, देयरफोर सॉल्यूशन x कॉमा y, देखिए हमारे वेरिएबल क्या थे x y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 1। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, मींस हम लोग किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो देयरफोर क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9,
पहला इक्वेशन लिख लिए माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, इनका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से क्या होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, फिर क्या होगा, 2x माइनस 2x जीरो, माइनस 3y माइनस y दैट इज माइनस 4, देखिए माइनस 3y माइनस y तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का, तो 3 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा, फिर क्या होगा 9 माइनस 13 दैट इज माइनस 4, therefore y equals to माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आंसर 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1, देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया ना, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 1। अब हम लोग इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, अब क्या करेंगे, पुट y equals to 1 in equation 2, equation 2 में हमने क्या किए, y की वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो जाएगा 2x तो 2x रह जाएगा प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 is equals to 13, प्लस 1 है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore 2x is equals to 13 minus 1 that is equals to 12, देखिए 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x की वैल्यू निकालना है तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में, therefore x equals to 12 divided by 2, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore x is equals to 6, क्यों, क्योंकि 12 जो है 2 से 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हम लोग बोलेंगे therefore solution कौन से वेरिएबल है x और y, आंसर क्या आया x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 5n माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की इनिशियल प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे और उनको नाम दे देंगे, 5n माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन क्या है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट सेम है या नहीं, m का कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 1, सेम नहीं है, यहाँ पे n का कितना है माइनस 3 और यहाँ पे n का कितना है माइनस 6, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, अभी तक हमने फर्स्ट टर्म को सेम करी थी, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे सेकेंड टर्म की कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, अगर हमको माइनस 3 को माइनस 6 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5m दैट इज 10m, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3n माइनस 6n, 2 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 19 टू टाइम्स होता है 38, इसके बाद क्या करेंगे इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, फिर इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि जो सेम टर्म है उनका साइन भी क्या है सेम है, तो मैंने बताया था अगर साइन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, तो क्या करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे दैट इज 10m माइनस 6n इक्वल्स टू 38, फिर इक्वेशन नंबर 2 दैट इज क्या हो जाएगा m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, और इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन होता तो क्या होता है सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, इसका साइन क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका साइन माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, अब सॉल्व करते हैं क्या होगा 10m माइनस m दैट इज 9m माइनस 6n प्लस 6n क्या हो जाएगा कैंसल दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 38 माइनस 7 सॉरी माइनस नहीं प्लस 7 38 प्लस 7 दैट इज 45,
देयरफोर एम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देखो 9 जो है 45 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या होगा, m इक्वल्स टू 5। हमने m की वैल्यू निकाल ली, अब हमको निकालना है n की वैल्यू, तो m की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, तो हमने क्या किए, पुट m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो इक्वेशन 1 ये है 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, 5 इंटू 5 25, ये 25 यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस 3n 19 माइनस 25 माइनस 6, देयरफोर n इज इक्वल्स टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस 3 यहां मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में, देखिए माइनस माइनस कैंसल, 3 6 को 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देगा, सॉरी 3 6 को 2 टाइम डिवाइड कर देगा, तो देयरफोर हम लोग क्या बोलेंगे n इज इक्वल्स टू 2। देखिए n की वैल्यू भी मिल गई, m की वैल्यू भी मिल गई, मतलब हमको सॉल्यूशन ही मिल गया, तो बोलेंगे देयरफोर सॉल्यूशन क्या है, वेरिएबल m कॉमा n इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू 2। इस पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।